मेसोलिथिक काल, जिसे मध्य पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 3,500 ईसा पूर्व तक फैला, मानव प्रागैतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि को चिन्हित करता है। विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में इस युग में रचनात्मक गतिविधियों का विस्फोट हुआ, जो रॉक कला के व्यापक और विविध प्रदर्शनों में परिलक्षित हुआ। सबसे उल्लेखनीय स्थलों में मध्य प्रदेश में भीमबेटका ऑडिटोरियम गुफा और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला शामिल है, जहां चट्टानों पर उकेरी या चित्रित की गई जटिल कलात्मकता का संग्रह है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफाएं और चट्टानी आश्रय स्थल प्रारंभिक मनुष्यों के कलात्मक और प्रतीकात्मक प्रयासों का सम्मोहक साक्ष्य प्रदान करते हैं। मेसोलिथिक रॉक कला मुख्य रूप से दो रूपों में प्रकट होती है, पेट्रोग्लिफ्स रॉक नक्काशी और चित्रलेख रॉक पेंटिंग। विषय वस्तु समान रूप से विविध है, जिसमें दैनिक जीवन के दृश्य जैसे शिकार करना और इकट्ठा करना, धर्म और प्रतीकवाद के अधिक रहस्यमय क्षेत्र शामिल हैं। खनिजों, सब्जी और पशु वसा से प्राप्त प्राकृतिक रंग द्रव्य के उपयोग ने इस आदिम कला की दीर्घायु सुनिश्चित की। रूपांकनों के संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप की मेसोलिथिक रॉक कला में आमतौर पर मानव आकृतियां और जानवर दोनों शामिल हैं, जिनमें से पूर्व को अक्सर गतिशील क्रिया उन्मुख मुद्राओं में चित्रित किया जाता है। मनुष्यों को धनुष, तीर और भाले जैसे हथियारों के साथ शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। अन्य दृश्य सांप्रदायिक नृत्यों और समारोहों का चित्रण करते हैं, जो इन प्रागैतिहासिक समुदायों के सामाजिक ताने बाने में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जानवरों की आकृतियां मनुष्य की तरह ही गतिशील और विविध हैं। हम हाथियों, बाघों, यंगों और विभिन्न प्रकार के हिरणों और गोजातीय जानवरों के चित्रण देखते हैं। इन प्राणियों का चित्रण उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व और सामूहिक मानव मानस पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। मेसोलिथिक रॉक कला की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीकों का चित्रण है। वृत्त, बिंदु और रेखाएं प्रचलित हैं, और वे अमूर्त अवधारणाओं या प्रतीकात्मक आख्यानों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से आधुनिक विद्वान समझने में संघर्ष करते हैं। ये प्रतीक दृश्य संचार के एक उभरते रूप की गवाही देते हैं, जो लेखन प्रणालियों का अग्रदूत है। इन मेसोलिथिक कलाकृतियों की व्याख्या करने का एक महत्वपूर्ण पहलू उस सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक संदर्भ को स्वीकार करना है, जिसमें वे बनाए गए थे। अक्सर इन साइटों का स्थान, चाहे वह एक एकांत गुफा हो या एक प्रमुख चट्टान का चेहरा, उनके औपचारिक महत्व को इंगित करता है। कलाकृतियां शैमेनिक प्रथाओं में शामिल हो सकती है या कहानी कहने और सिखाने के लिए सांप्रदायिक कैनवास के रूप में उपयोग की जा सकती है। इसके अलावा कला के ये कार्य मानव विज्ञानी और पुरातत्वविदों को इन मेसोलिथिक समुदायों के पर्यावरण, उपकरण, कपड़े, सामाजिक संपर्क और आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं। चट्टान पर उकेरी गई प्रत्येक छवि, प्रत्येक रेखा मानव अनुकूलन और नवीनता के बारे में एक कहानी बताती है। पिछले कुछ वर्षों में इन साइटों को प्राकृतिक अपक्षय और मानव निर्मित खतरों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह आवश्यक है कि हम अपनी साझा मानव विरासत के इन अमूल्य खजानों की रक्षा करें और भावी पीढ़ियों के अध्ययन और प्रशंसा के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करें। हमारे साझा अतीत में इस खिड़की को बनाए रखने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारतीय उपमहाद्वीप की मेसोलिथिक रॉक कला हमारे पूर्वजों के बारे में गहन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। इन कलाकृतियों के सटीक अर्थों से जुड़े रहस्यों के बावजूद, वे हमारे साझा इतिहास, हमारी विकसित होती संस्कृतियों और अभिव्यक्ति और संबंध की हमारी सतत इच्छा की मूर्त अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं।